अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए जी बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया। अगर आप लग्जरी लिविंग के शौकीन हैं और इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट ख़ास तौर पे फार्म हाउसेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी आपके लिए। एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत ही अच्छी हाउसिंग स्कीम है जो कि आपकी मोटरवे के साथ, जो M1 मोटरवे है वहाँ पर जंग बहादुर इंटरचेंज जो कि आपका हसन अब्दाल पे ज़िला अटक के अंदर आता है, तो यहाँ पर एक हाउसिंग स्कीम है मल्टी प्रोफेशनल वालों की जो कि मल्टी रेजिडेंशिया और ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत बड़ा एरिया इसका ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, काफ़ी सारे फार्म हाउसेज बने हुए हैं और बहुत लग्जरी किस्म के फार्म हाउसेज बने हुए हैं वहाँ पर। तो नॉर्मली वहाँ पे दो साइज़ होते हैं, 5 कनाल 8 कनाल, तो वो ज़्यादातर फार्म हाउसेज वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और कुछ नॉन डेवलप भी मिल जाते हैं वैसे कैश के ऊपर, लेकिन अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सोसाइटी ने वहाँ पर कुछ ज़मीन परचेज़ की है एडिशनल, जहाँ पर अभी डेवलपमेंट शुरू भी हो गई है और वहाँ पर 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान आपको दे रहे हैं। और थोड़े से फार्म हाउसेज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 2 दर्जन के करीब हैं जो फार्म हाउसेज़ इस टाइम दिए जा रहे हैं। 5 कनाल साइज़ है और फिलहाल फाइलें होंगी, बैलेटिंग के ज़रिए नंबर लग जाएगा। प्राइस मैं आपको बता देता हूं जी, आपकी 1,95,00,000 रुपये इसकी प्राइस है और इसमें आपकी 50 लाख रुपये डाउन पेमेंट है और बाकी आपका 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट का रास्ता है, अप्रॉक्सीमेटली कोई 27-28 किलोमीटर एग्जैक्टली रास्ता बनता है जो कि मोटरवे के थ्रू आपको जाना है। जैसे इंटरचेंज उतरेंगे आप हसन अब्दाल वाला, ये जो जंग बहादुर इंटरचेंज है, तो यहाँ से बिल्कुल सर्विस रोड पे जैसे जंग बहादुर रोड के ऊपर आएंगे तो बिल्कुल साथ ही आपकी सोसाइटी आ जाती है। इसमें 2 एंट्रेंसेज हैं, एक आपका रेजिडेंशिया है बेसिकली जो कि छोटे प्लॉट हैं वहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स वो एरिया है, और उसके बाद दूसरा एरिया जो है आपका वहाँ पर ये फार्म हाउसेज हैं जिसमें 5 और 8 कनाल के 2 फार्म हाउसेज हैं। ये दो बेसिकली 2 कम्युनिटीज़ वहाँ पर डेवलप हुई हैं, एक रेजिडेंशिया के लिए जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और एक आपकी फार्म हाउसेज की। तो ये दोनों कम्युनिटीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट की हुई है मल्टी प्रोफेशनल का। आप जानते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे जो अच्छी सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर डेवलप हुई हैं उसके अंदर मल्टी का नाम डेफिनेटली सर फहरिस्त आता है। इसके अंदर आपका B17, इसके अंदर F17 है, इसके अंदर E11 है, तो ये सारी सोसाइटीज़ बेसिकली मल्टी ने ही डेवलप की हैं और मल्टी का ये 4th प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के मज़ाफात में कह लें इसको, क्योंकि इस्लामाबाद से बाहर आ जाता है। तो ये आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट है ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको शहर से बाहर एक पुरसकून किस्म के लाइफस्टाइल चाहिए, वो भी एक सिक्योर सोसाइटी में जहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट हो, अच्छा लाइफस्टाइल मिले आपको और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो, तो उस हवाले से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी मज़ीद को मालूम चाहिए उस प्रोजेक्ट के हवाले से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हमारा है 0345-522-2253, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और फर्दर डिटेल हम आपको भिजवा देंगे। करना आपने सिंपली इतना है कि आपने अगर बुकिंग करवानी है यहाँ पर तो आपको ज़्यादा देर नहीं करनी है, तो क्योंकि बहुत लिमिटेड से ऑप्शन है तो ये जल्दी सेल हो जाएंगे। वैसे भी मल्टी का नाम इतना है कि ये आपके बहुत जल्दी सेल हो जाएंगे, ज़्यादा अर्सा रहेंगे नहीं। तो आपने क्या करना है कि आपने इसका जो पे ऑर्डर है मल्टी प्रोफेशनल के नाम पर बनाना है, ये टाइटल भी आपको शो हो जाएगा, और इस नाम से आपने जो डाउन पेमेंट है और जो इसकी मेंबरशिप फ़ीस है इसका पे ऑर्डर बनाना है, साथ इसका ये बना के आप आ जाएंगे, साथ इसका जो फॉर्म होगा वो हम फिल करवा के साथ आपके डॉक्यूमेंट लगाएंगे और ये आपकी बुकिंग प्रोसेस हो जाएगी और आपकी फ़ाइल बन के आएगी, साथ उसका पेमेंट शेड्यूल होगा 4 साल का जो कि आपने टाइम के साथ अपने इंस्टॉलमेंट्स देते रहना है, और साथ ही इसकी कुछ अर्से में इसका नक्शा और इसके प्लॉट नंबर लग जाएंगे, तो इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू कर सकेंगे और टाइम से पहले इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है और डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो मज़ीद को मालूम चाहिए उस हवाले से तो आप रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।